बेटा जो तूने पेपर देना था ना कोई, भर दिया उसका फॉर्म? यूपीएससी का दादी? हाँ भर दिया। दीदी का फोन आया था, इस बार भी लड़के वालों ने रिजेक्ट कर दिया फोटो देखते ही। कहा था मैंने थोड़ा सा एडिट कर ले, फिल्टर विल्टर लगा ले, कम से कम थोड़ी तो गोरी दिखेगी। कैसे होगी तेरी शादी? तेरी छोटी बहन के लिए रिश्ते आ रहे हैं और तू यही पड़ी है ना मेरी छाती पे। मम्मी मुझे नहीं करनी शादी, मुझे अभी करियर पे फोकस करना है। कितनी बार बोला है मैंने, एक करियर वरियर का भूत उतार दे अपने सर से। कोई नहीं पूछता काले लोगों को, कम से कम तेरी शादी होगी मेरे सर से पोस्ट तो उतरेगा, वरना यही पुट्टी हो जाना मेरे घर में। लुक एट यू परी, तुम इतनी काली और बदसूरत हो, कौन नहीं करना चाहेगा तुमसे शादी? क्या बहू, तू हर वक्त नई लड़की के पीछे पड़ी रहती है। वो इतना घर का काम भी करती है, पढ़ाई भी करती है, जॉब भी करती है, इतनी समझदार है। अपनी इस लाडली को नहीं देखती जो बैठी बैठी सारा दिन फोन चलाती रहती है, इसे तो कुछ नहीं कहती तू। वो मेरी बेटी है, कितनी सुंदर है, उसका तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, इसकी चिंता करो आप, आपकी छाती पे बैठेगी दिन रात। फिर जैसे तेरी शादी हुई मेरी शादी हुई इसकी भी हो जाएगी, अभी उम्र ही क्या है इसकी। हाँ हाँ, आपने सर पे चढ़ा रखा है इसे, एक काम करो आप ही शादी करा देना इसकी, इसके साथ ही चली जाना। क्यों, तेरी बहन की नहीं कराई थी? मेरी बहन सुंदर थी, इसकी जैसी नहीं थी। हाँ नहीं तो जब देखो तब मेरी बहन को बीच में ले आती हो। चले अपना काम कर, जब देखो मेरी लड़की के पीछे पड़ी रहती है। हाँ हाँ, रोलो महारानी बैठ के आ जाएंगी दादी जी पीछे परी परी करते हुए, और कुछ तो आता नहीं है तुम्हें, जाओ मना लो अपनी भूर की परी को। बेटा ऐसे नहीं रोते। दादी मेरे रंग से इतना फर्क क्यों पड़ता है, मैं गोरी क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं हूँ सुंदर दादी? सुंदर होने के लिए गोरा होना जरूरी नहीं है ना, इंसान के रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान का दिल साफ होना चाहिए। सूरज सारी जिंदगी साथ नहीं रहती बेटा, सीरत सारी जिंदगी साथ रहती है, और मेरे बेटे का दिल बहुत अच्छा है और वो बहुत सुंदर है। दादी चल जल्दी तैयार हो जा, ऑफिस जाना है ना। हाँ। चल फटाफट तैयार हो। प्रिया तुम जा ही रही हो तो मुझे मेट्रो तक छोड़ दो। मैं तुझे शक्ल देखी है अपनी, बेइज्जती करानी है क्या मुझे? सबको बता दो तू मेरी बहन है। हट। ओए ये ले। तुझे क्या हुआ है, क्यों मुंह लटका के बैठी है? ओ लगता है वो आया नहीं अभी तक। अबे पागल तू से बोल क्यों नहीं देती है दैट वी लाइक हिम? चुप रहना तू। सीधे कैसे कैसे से लोग आ जाते हैं ऑफिस में, छी कपड़े पहनने का तो बिल्कुल ढंग ही नहीं है, पता नहीं कैसे बहन जी से कपड़े पहन के आ गई है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है मांग के पहने हैं उसने कपड़े। फेस पे कुछ लगा वगा लेती तो थोड़ी ढंकी भी लगती, ऊपर से अंधेरा कर दो तो दिखेगी भी नहीं। और बालों में तो पूरी तेल की बोतल ही डाल आई है। लेसन एवरीवन, कल तक मुझे सबकी एनुअल रिपोर्ट चाहिए। और परी यू डिड अ ग्रेट जॉब लास्ट वीक, कीप इट अप। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशन परी। थैंक यू। यार ये चटनी बहुत अच्छी है। चाय पीने चलते हैं फिर। हाय परी। Hi. यार तेरी कुर्ती तो बड़ी अच्छी लग रही है, the color is really suiting you. Thank you. अच्छा यार वो मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए थी कल के असाइनमेंट के रिगार्डिंग, जो डेटा बनाना है मैं तुझे मेल कर दूंगी, तू बना के मुझे मेल बैक कर दियो। ठीक है। ओके थैंक यू। पागल है क्या तू, उस काली परी से क्यों बात कर रही थी? लगता है तेरी दोस्ती हो रही है उससे। मैं और उससे दोस्ती करूंगी? नो चांस। मैं तो बस अपना काम निकलवा रही थी, अब असाइनमेंट करेगी वो और क्रेडिट लूंगी मैं। गुड जॉब।
गॉड। चल तू बैठ, मैं पानी लेके आती हूँ। कुछ खाएगी? नहीं नहीं ठीक है। ये ले। थैंक यू, तेरा घर तो बहुत प्यारा है। पापा का पैसा। खैर तू ये सब छोड़ना, मुझे ये बता कि तू पार्टी में क्या पहनने वाली है। यार मैं तो नहीं आ पाऊंगी, तुझे पता है ना मेरे पास कुछ पहनने के लिए भी नहीं है, और ऑफिस में भी सभी लोग। पागल है क्या तू, भी क्या फालतू के लोगों की बातों में पड़ी रहती है। खैर मेरे पास ना बहुत सारी ड्रेसेस हैं, तू बोरो कर सकती है, और हाँ मैं तेरा मेकअप भी कर दूंगी। चल ठीक है, सोचूंगी मैं। अरे सोचना क्या है, यही सही मौका है रोहन को फंसाने का। तू भी ना हमेशा फालतू बातें ही करती है। मुझे लगता है कि वो तुझे बहुत लाइक करता है। तूने देखा था कैसे रैंप चेक कर रहा था? हाँ हाँ देखा था, चुप रहे अभी। बट तूने वो देखा है हमारे ऑफिस के पीछे कैफे खुला है, वहाँ पे चलेंगे, बहुत टेस्टी खाना। कोल्ड कॉफी, पिज्जा। यार बट मैम मुझे डाइट करनी है पार्टी तक। यार मुझे ना बहुत लेट हो गया है, मम्मी मुझे मारेगी बहुत ज्यादा, मैं जा रही हूँ। ठीक है ना, आराम से जा। बाय 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 बाय। हाय बदी। हाय रोहन। कहाँ जा रहे हो? वो मैं घर जा रही थी, लेट हो रही हूँ ना इसलिए। आओ मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। अरे बाबा मैं उसी साइड जा रहा हूँ, आओ बैठो मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है। उत्तरी, ये कलंक किस लड़के के साथ जा रही है? कहीं इसका चक्कर तो नहीं चल रहा? घर जाके देखती हूँ इसे। प्रिया डिनर। प्रिया क्या कर रही है यहाँ पे? कितनी बार मना किया है, मेरे कमरे में मत आया कर। और मेरा मेकअप छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अच्छा महारानी का बॉयफ्रेंड बन गया तो इनको मेकअप भी सीखना है, अभी मजा चखाती हूँ। अच्छा तुझे मेकअप करना है? मैं बता देती हूँ कैसे करना है मेकअप, बैठ। देख ये ब्लश है, इसको माथे पे लगाते हैं ठीक है, और ये हाइलाइटर है, इसको यहाँ पे लगाते हैं ठीक है, और ये कॉन्टूर ना गालों पे करते हैं ठीक, समझ गई? कर लेगी? अब मजा आएगा जब ये जोकर बन के आएगी। अरे ये क्या हालत बना रखी है अपनी? तेरे भगवान, पता नहीं क्या सोच रही थी लड़की। जा जाके मुंह धो के आ, परेशान करके रखा है। तुझे क्या लगा मेरा मेकअप लगा के मेरी तरह सुंदर बन जाएगी? काली है भूलना मत, समझ आई? औकात मेरे ना, चल निकल यहां से। आगे क्या होगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और पार्ट टू के लिए भी हमें कमेंट्स करना कि आपको पार्ट टू कितनी जल्दी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ढेर सारा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सबके साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।